जिनके अंदर कुछ बेहतर कर दिखाने का जज्बा और आत्मविश्वास होता है, वो हालात के आगे कभी बेबस नहीं होते। ऐसे ही एक बेमिसाल और प्रेरक व्यक्तित्व थे बलवंत पारेख। कभी चपरासी का काम करने वाले बलवंत पारेख को आखिर किस तरह वो आइडिया आया जिसके दम पर उन्होंने 1,000 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी खड़ी कर दी और वो कहलाए फेविकोल मैन। फेविकोल के रूप में क्वालिटी और विश्वास के मजबूत जोड़ को स्थापित करने वाले बलवंत पारेख का जन्म सन 1925 में गुजरात के भावनगर जिले के महुआ नामक कस्बे के एक सामान्य परिवार में हुआ था। इच्छा थी एक बिजनेसमैन बनने की, लेकिन घर की परिस्थितियों के चलते बलवंत पारेख वकालत की पढ़ाई करने लगे, लेकिन महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के विचारों से प्रभावित बलवंत पारेख ने वकालत की प्रैक्टिस नहीं की। ऐसे में उन्होंने एक डाइंग और प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी की और फिर उसके बाद एक लकड़ी व्यापारी के कार्यालय में चपरासी की नौकरी करने लगे। उसके बाद कई नौकरियां करते हुए बलवंत को जर्मनी जाने का मौका भी मिला, जहां उन्होंने व्यापार से जुड़ी कई खास उपयोगी और नई बातें सीखी। जब बलवंत पारेख को अपने आइडिया के लिए निवेशक मिल गया तथा उन्होंने पश्चिमी देशों से विभिन्न उत्पाद आयात करने का बिजनेस शुरू किया, अचानक एक दिन बलवंत पारेख को आइडिया आया, क्यों ना ऐसी गोंद बनाई जाए जिसमें से ना बदबू आए और ना उसे बनाने में ज़्यादा मेहनत लगे। और फिर इस तरीके से 1959 में बुनियाद पड़ी पिडिलाइट ब्रांड की और फिर सामने आया फेविकोल, जिसके मजबूत जोड़ का आज तक कोई तोड़ नहीं है। 1997 तक फेविकोल टॉप 15 ब्रांड में शामिल हो गया था। 2004 में टर्नओवर 1,000 करोड़ तक पहुंचाने वाली यह कंपनी कई देशों में अपनी पैठ बना चुकी है। कुछ वर्ष पहले 1.36 बिलियन डॉलर की निजी संपत्ति के साथ बलवंत पारेख फोर्ब्स एशिया के सबसे धनी लोगों की लिस्ट में 45वां स्थान हासिल कर चुके हैं। 25 जनवरी 2013 में दुनिया को अलविदा कह देने वाले बलवंत पारेख अपने पीछे एक ऐसी कंपनी और फेविकोल के रूप में एक ऐसा प्रोडक्ट छोड़ गए जो हमेशा से उनके नाम को अमर बनाए रखेगा, क्योंकि फेविकोल का ये जोड़ है टूटेगा नहीं।